कमेंट अपॉन प्लेन फिल्टर साइड्रोन, ये हमारा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। पहले देखो, हमने यहाँ पे हीमोग्लोबिन डिफेक्ट की वजह से जो डिजीज होता है वो हमने देख लिया था, सिकल सेल एनीमिया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कमेंट अपॉन क्लीन फिल्टर साइड्रोन। क्लीन फिल्टर साइड्रोन क्या होता है? क्लीन फिल्टर का साइड्रोन के ऊपर टॉपिक पे कमेंट करना है। कमेंट करने का मतलब वो कमेंट नहीं जो आप मुझे करते हो, हमें उसको डिस्क्राइब करना है। ओके, सच और जेनेटिकली डिसऑर्डर पर्सन हैज एडिशनल एक्स क्रोमोसोम्स। बच्चा ये एक प्रकार का जेनेटिकली डिसऑर्डर है जिसके अंदर पर्सन के अंदर एक्स क्रोमोसोम्स जुड़ जाता है एंड टोटल ऑफ 47 क्रोमोसोम्स, 44 प्लस एक्स एक्स वाई। ऐसे तो 46 क्रोमोसोम देखने को मिलता है बट उनके थ्रू अगर काउंट किया जाए तो टोटल 47 क्रोमोसोम्स होता है, उसको 44 प्लस एक्स एक्स वाई के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, क्रोमोसोम सच अ पर्सन हैज एक्सप्रेशन ऑफ सम फीमेल कैरेक्टर्स आल्सो, सच पर्सन बिकम ए स्टर्टाइल मेल। बच्चा देखो, क्लाइन फिल्टर साइड्रोम डिस्क्राइब करता है जेनेटिकली डिसऑर्डर को जो पर्सन के अंदर एक्स क्रोमोसोम्स को ऐड कर देता है, हैज टोटल टू ऑफ 47 क्रोमोसोम्स होते हैं, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। सच पर्सन हैज एक्सप्रेशन ऑफ सम फीमेल कैरेक्टर आल्सो, इसके अंदर फीमेल के भी क्रोमोसोम्स को डिस्क्राइब किया जाता है और सच persons become a sterile male। और कुछ persons क्या होते हैं? Such of a persons क्या होते हैं बच्चा? Sterile male होते हैं। Okay, sterile male होते हैं। अब हमारा topic आ गया, what do you mean by chromosomal disorder? Chromosomal disorder क्या होता है? Give the name of such disorder। चलो देखते हैं chromosomal disorder क्या होता है। Chromosomal disorder are causes due to absence or excess और नॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम्स। बच्चा देखो, क्रोमोसोमल जो डिसऑर्डर है वो ड्यू टू अब्सेंस एक्सेस, मतलब एब्सेंस किसी चीज के बॉडी के अंदर एब्सेंस होने के कारण, एक्सेस या एबनॉर्मल अरेंजमेंट जो होता है क्रोमोसोम्स का, उसके कारण आपको क्या करना पड़ता है? क्रोमोसोम डिसऑर्डर से सफर करना पड़ता है। क्रोमोसोम्स और डिसऑर्डर होने का मेन रीजन यही है कि आपकी बॉडी के अंदर क्रोमोसोम्स का अब्सेंस होना या नॉर्मल एबनॉर्मल अरेंजमेंट होना वन और मोर देन क्रोमोसोम्स के कारण, एक या एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होने के कारण या तो एक्सेस हो जाएगा या एबनॉर्मल हो जाएगा ड्यू टू दे आर सफर फ्रॉम जेनेटिक सॉरी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। बच्चा पार्टी, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर आर कॉजेज ड्यू टू अब्सेंस और एक्सेस ऑफ नॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इसलिए होता है बच्चा क्योंकि अब्सेंस होता है या एक्सेस हो जाता है या एबनॉर्मल अरेंजमेंट होता है वन और मोर क्रोमोसोम्स का, एक और एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स का। इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है आपका डाउन सिंड्रोम रिजल्ट इन द गेन ऑफ एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ 21 क्रोमोसोम्स। बच्चा देखो, डाउन सिंड्रोम जो है वो क्या करता है? डाउन सिंड्रोम जो है वो क्या करता है बच्चा? 21 एक्स्ट्रा कॉपी प्रेजेंट करता है। किसके? क्रोमोसोम्स का। ओके, ट्यूनर सिंड्रोम रिजल्ट ड्यू टू लॉस ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन फीमेल। बच्चा ट्यूनर सिंड्रोम रिजल्ट जो शो करता है ड्यू टू कारण है उसका क्योंकि एक्स क्रोमोसोम लॉस होता है फीमेल्स की बॉडी के अंदर से। ओके, ये आपके क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होने का एक ही कारण है, या तो आपकी बॉडी के अंदर एक्सेस है, एबनॉर्मल अरेंजमेंट है या अब्सेंस है क्रोमोसोम, इसके कारण आपको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो सकता है। उसका एक एग्जांपल है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम होने का कारण है कि क्योंकि वो 21% एक्स्ट्रा कॉपी देता है क्रोमोसोम्स का, ये ज्यादा हो गया। ट्यूनर सिंड्रोम है किसके अंदर? एक्स क्रोमोसोम्स गायब ही हो जाता है ह्यूमन फीमेल के अंदर से। ओके, व्हाट हैपेंड इन हेमिनोफिला? हेमिनोफिला क्या होता है? हेमिनोफिला इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ ब्लेडर डिजीज। बच्चा ये एक ब्लेडर डिजीज है। इट इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। बच्चा ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। ओके, इन सच डिजीज द एक्सपोज ब्लड ऑफ सच पेशेंट फेल टू क्लॉट ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। बच्चा देखो, ये ज्यादातर हेमिनोफिला बीमारी फीमेल्स के अंदर देखने को मिलता है। आप लोग देखते हो कि हम मिसकैरेज वगैरह करवाते हैं या अनवांटेड प्रेगनेंसी को हटवाते हैं तो ज्यादा ब्लड या एक्सेस ब्लड होने के कारण ब्लड बॉडी में क्लॉटिंग होने लगता है,
कलेक्ट होने लगता है, जिसके अंदर से हमें ब्लैडर डिजीज होने के कारण बढ़ जाते हैं या कोई इन्फेक्शन हो जाता है लड़कियों को। आजकल स्टेफनरी पैड वगैरह यूज करने को बोला जाता है, बट कुछ महिलाएं अभी भी कपड़ा यूज करती हैं। दैट टू बी अ फैक्टर, दे आर डिफिशियंसीज ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। ओके, इसका फैक्टर हो सकता है इट मे बी अ फेटल हेमिनोफिलिक जीन इज प्रेजेंट ऑफ एक्स क्रोमोसोम। और हेमिनोफिली जो है बच्चा, उसके अंदर एक्स क्रोमोसोम जीन प्रेजेंट होता है। बट ब्लैडर डिजीज होने का मेन रीजन यही है, क्योंकि बच्चा अगर आप अनवांटेड प्रेगनेंसी को हटाने के लिए किसी मेडिसिन को यूज करते हो और वो आपके प्रेगनेंसी को मिसकैरेज करता है, दैट टू बी ब्लड क्लॉटर डिजीज आपको हो सकता है। और बच्चा सेक्स लिंक रिसेसिव से भी डिसऑर्डर से इसका लेना देना है, बिकॉज ऑफ द रीजन बहुत सारे में ऐसा होता है कि बहुत सारे पेशेंट्स फेल हो जाते हैं, मतलब मौत के कगार पे ही पहुंच जाते हैं ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, क्योंकि इतना ज्यादा ब्लड होने लग जाता है कि उसको सब मतलब उसको झेल नहीं पाते, उनके अंदर इतना ज्यादा इम्यूनिटी पावर ही नहीं बचता है। ओके, नेम एनी टू क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इन ह्यूमन। आपको दो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बताना है ह्यूमन के अंदर। ओके, मेरी जवानी फिसल रही आज तो। दो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कौन कौन से, ट्यूनर सिंड्रोम ले लो या डाउन सिंड्रोम ले लो, दोनों ले सकते हो आप। देखो वही दोनों एग्जाम्पल उन्होंने लिया है। नेम एनी टू क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के अंदर इन्होंने यही दो नाम लिया है। ओके, डाउन सिंड्रोम, ट्यूनर सिंड्रोम। व्हाट डू यू मीन बाय क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, क्या मतलब है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का। डिस्क्राइब द रिलेटेड एबनॉर्मलिटीज ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिक डिसऑर्डर। बच्चा देखो, डाउन सिंड्रोम क्या है, ट्यूनर क्या है, क्लीन फिल्टर क्या है, मैंने अभी अभी आपको डिस्क्राइब किया, उन्हीं चीजों को आपको यहाँ डिस्क्राइब करके लिख देना है। देखो यहाँ डिस्क्राइब भी है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इज कॉज ड्यू टू द क्रोमोसोम्स नंबर ऑफ ड्यू टू सम पार्ट ऑफ सेगमेंट। बच्चा देखो, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होने का कारण है क्योंकि क्रोमोसोम्स नंबर में कम या ज्यादा का सेगमेंट क्रिएट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड एबनॉर्मल ड्यू टू डिफेक्ट इन क्रोमोसोम्स, इससे रिलेटेड कोई भी एबनॉर्मलिटीज होगी ड्यू टू क्रोमोसोम्स के अंदर डिफेक्ट है। ओके, पहला इसका टॉपिक आता है सिंड्रोम, ठीक है, डाउन। इट इज अ ऑटोसोमल डिसऑर्डर ड्यू टू ट्राइसोमी 21 क्रोमोसोम्स की एक्स्ट्रा कॉपी को प्रेजेंट करता है। इट इज कॉजेड बाय प्रेजेंट ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ 21 नंबर ऑफ कॉपीज। 21 नंबर ऑफ कॉपी क्या करता है, एक्स्ट्रा प्रेजेंट करता है ड्यू टू नॉन डिजाइनेशन रक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग ओजनेसिस। और बच्चा दिस टाइम उसी के कारण क्या हो जाता है, नॉन डिजक्शन हो जाता है ऑफ क्रोमोसोम्स। जब ओजनेसिस का प्रोसेस कंप्लीट कर रही होती है कोई भी फीमेल, तब उसके अंदर डिसजक्शन क्रोमोसोम्स की प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि वो 21% ऑफ एक्स्ट्रा कॉपी देता है क्रोमोसोम्स की। With 47 chromosomes and 46 is characterized of round of face, open mouth, produced tongue and short neck, deep other defective heart and other organs. बच्चा देखो, 47 chromosome instead होते हैं, but 46 present characterized किया जाता है round face में जाके। That should be a problem of open mouth, protruding tongue, short neck, ये सब बच्चे के अंदर अगर कोई problems देखा जाता है तो ये सब chromosomal disorder का है। किसी बच्चे का गर्दन ऐसे है, किसी का मतलब कोई भी ओपन माउथ का प्रॉब्लम है, या बहुत सारा प्रॉब्लम टंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है ड्यू टू बी डिफेक्टिव हॉट्स एंड अदर ऑर्गन। ये 47 राउंड में 47 का क्रोमोसोम्स होता है, पर राउंड ऑफ में जाके 46 रिप्रेजेंट करता है। ये सारे प्रॉब्लम्स अगर क्रिएट होते हैं, इसका रीजन है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। आप देखो, क्लीन फिल्टर भी दिया हुआ है आप लोगों को, मैंने इसको ऑलरेडी अभी अभी डिफाइन किया था। ट्यूनर सिंड्रोम को भी मैंने डिफाइन किया था। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, सो आपका फिफ्थ चैप्टर फिनिश हो गया है। टेंशन मत लो, मैं धीरे धीरे सारा सिलेबस फिनिश करा दूंगी, थोड़ा तो उस पर फेथ करो और टेंशन मत लो, रिवाइज करो, फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे मिशन बैच में। ओके, तब तक के स्टार्ट करते हैं बच्चा पार्टी। आज भी हम लोग चैप्टर फाइव का, ये हमारा फोर्थ क्लास है। ओके, इससे पहले हमने प्रीवियस थ्री क्लासेस कंप्लीट कर लिए हैं चैप्टर फाइव के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। ये हमारा चैप्टर फाइव का लास्ट क्लास होगा, इसके बाद हम लोग चैप्टर सिक्स को स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चा पार्टी। और ये क्वेश्चन आपका रह गया था क्वेश्चन नंबर फोर, मेन सोर्स ऑफ वेरिएशन। मेन सोर्स ऑफ वेरिएशन क्या है, वेरिएशन किसके अंदर आता है, म्यूटेशन के थ्रू, माइटोसिस डिवीजन के थ्रू, मियोसिस डिवीजन के थ्रू या फर्टिलाइजेशन के थ्रू। टेल मी बच्चा पार्टी, मेन सोर्स ऑफ वेरिएशन क्या है।
वेरी गुड, बी को लॉक कर दो बच्चा पार्टी, बी इज अ राइट आंसर, बी क्या है आप लोगों का राइट आंसर है, ठीक है, बी को क्या कर दो, बी को लॉक कर दो, बी क्या है आपका राइट आंसर है, ओके। मेरे बच्चों को प्रॉब्लम था ना कि मैम पेन का कलर चेंज कीजिए, तो मैंने रेड कर दिया, तो बताओ रेड ठीक है ना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन क्रॉसिंग ओवर द प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। बच्चा आपको क्रॉसिंग को डिफाइन करना है, क्रॉसिंग क्या होता है बच्चा, क्रॉसिंग क्या होता है, टू जीन्स, दो जीन डीएनए रिप्लिकेशंस के ऊपर काम करती है, वो दोनों जेनेटिक गुण आपस में ट्रांसफर करती है, ओके, होमोलॉगस होती है, जेनेटिक कंडीशंस को ट्रांसफर करती है, डीएनए रेप्लिकेशन पे वर्क करती है, उनका कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस तरीके से जेनेटिक रेप्लिकेशन पे डीएनए क्रॉसिंग काम करती है। डीएनए क्रॉसिंग, डिफाइन क्रॉसिंग जो है आपका, वो दो तीन प्रकार का होता है, सिंगल क्रॉसिंग, डबल क्रॉसिंग, ट्रिपल क्रॉसिंग, ओके। तो चलो आंसर्स के थ्रू देखते हैं कि क्या होता है। क्रॉसिंग ओवर इज अ रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन, देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, यहाँ पे चलो मैं अंडरलाइन नहीं करती हूँ, आप लोग देख ही रहे हो, दिख ही रहा है, तो सिर्फ रीड आउट करते हैं। क्रॉसिंग ओवर इज अ रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन, बच्चा क्रॉसिंग क्या है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन है, दो जीन का आपस में कॉम्बिनेशन है, ओके। ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, मैंने अभी यह बताया, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या करती है, जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करती है, इधर से उधर ट्रांसफर भी करती है, ओके। बिटवीन टू होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, वो भी किसके बीच में, दो होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में, मैंने अभी बताया कि डीएनए जेनेटिक क्रॉसिंग जो है आपका, वो डीएनए रेप्लिकेशन के ऊपर काम करता है, ये जीन्स के कॉम्बिनेशन होते हैं, इसके अंदर वो अपने जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं इधर से उधर, वो भी किसके अंदर, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के अंदर, ओके, यू गेट इन माई पॉइंट। इट इज द क्रोमेटिक्स ऑफ टू होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, ये दो बच्चे, ये दो नॉन स्टर रिकॉम्बिनेटिंग क्रोमोसोम से मिलकर बनाते हैं, जैसे मान लो कि एक आपका एक्स एक्स है तो एक एक्स वाई होगा, मतलब ये दो क्रोमोसोम्स, दो अलग अलग क्रोमोसोम्स के ऊपर काम करते हैं, ओके। हैज टू प्रोड्यूस द रिकॉम्बिडाइट विच एक्सचेंज ऑफ सिगमेंट हैव अकर्ड इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन, बच्चा ये नॉन सिस्टर क्रोमोडेट जो होते हैं वो एक्सचेंज करते हैं, जब आपका सिगमेंट एक्सचेंज करते हैं, जब अपना क्रॉसिंग लेवल एक्सचेंज करते हैं, उसी को हम रिकॉम्बिनेट्स कहते हैं, क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेट्स बोलते हैं। आपको ये दिख रहा है जेनेटिक मटेरियल कैसे काम करता है, देखो अगर ये ऐसे सिंगल जा रहा है ना, सिंगल, तो इसको सिंगल क्रॉसिंग कहते हैं, जैसे एक एक पे दो जाने लग गया तो इसको डबल क्रॉसिंग कहते हैं, एक पर तीन हो गया तो ट्रिपल क्रॉसिंग कहते हैं, जिसको मैंने अभी अभी डिफाइन किया था। तो आपसे कोई भी पूछेगा कि क्रॉसिंग ओवर क्या है, तो क्रॉसिंग ओवर एक रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन है बच्चा पार्टी, ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ये अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करता है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन है, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच में ये अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करता है, ये नॉन सिस्टर रिकॉम्बिनेटेड होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के अंदर काम करता है, उसके बाद ये न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन को रिप्रेजेंट करता है, नॉन सिस्टर क्रोमोडाइट जो अपने सेगमेंट को एक्सचेंज करता है उसी को रिकॉम्बिनेंट्स कहते हैं, और ये इनका एग्जांपल है, तीनों लेयर का एग्जांपल है, डबल में कैसा होता है, सिंगल में कैसा होता है, ट्रिपल में कैसा होता है, ओके, यू गेट इट माई पॉइंट। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर, मैंने अभी बताया था, अभी हमने तीनों क्रॉसिंग्स का डायग्राम भी देखा था, 1, 2, 3 का डायग्राम देखा था, उन्हीं तीनों क्रॉसिंग को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया, ओके। सिंगल क्रॉसिंग क्या होता है, डबल क्रॉसिंग क्या होता है, मल्टीपल क्रॉसिंग क्या होता है, इन तीनों को डिफाइन करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, बच्चा पार्टी आपको थोड़ा भी आइडिया नहीं होगा कि ये मिशन बैच आपके लिए क्या, आपको महात्मा जी जो एजुकेटर जी आपका ऐप है या ये आपका यूट्यूबर चैनल है, बच्चा आप लोगों को नहीं पता कि ये इन्होंने कितना बड़ा गिफ्ट आपको दिया है मिशन बैच के थ्रू। आप लोग को मिशन बैच का आइडिया भी नहीं है कि मिशन बैच आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है। आप लोग के मन में बहुत सारी क्वेरीज होती है कि मैम सिर्फ हम ये 5 इयर्स के क्वेश्चन कर लेंगे तो पास हो जाएंगे, ये कर लेंगे, बच्चा कुछ भी करोगे, मतलब कुछ भी पढ़ रहे हो, उसके साथ अगर आप ये मिशन बैच के सारे क्वेश्चन को फॉलो करते हो, यू गेट वेरी गुड मार्क्स, आप बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ओके, बिकॉज ऑफ द रीजन ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर रही हूं मैं, ओके। सो बच्चा ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है,
क्या है बच्चा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वीवीआई है. ओके, तो मिशन बैच को स्किप नहीं करना है, फॉलो करना है और सारे क्वेश्चन को रिवाइज करना है. ओके, बाकी आप 5 years के क्वेश्चंस भी कर सकते हो, आप जहाँ पढ़ाई कर रहे हो उनसे कुछ भी पढ़ सकते हो. फिर आप क्या कर सकते हो, चैप्टर्स को भी रिवाइज कर सकते हो, नोट्स को भी. अभी चैप्टर रिवाइज करने का टाइम नहीं है, आप क्विक रिविजन नोट्स को रिवाइज कर सकते हो, वरना ये मिशन बैच के क्वेश्चन कर सकते हो, 5 years के क्वेश्चन बैच, आप बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करोगे. ओके, चलो तो अब हमारा टॉपिक है सिंगल क्रॉसिंग ओवर क्या है. When crossing over occur at a one point between two non-sister chromatids of homologous chromosome pair. बच्चा देखो सिंगल क्रॉसिंग क्या है, but क्या है बच्चा, सिंगल क्रॉसिंग क्या है, जब दो क्रोमोसोम्स आपस में क्रॉस करते हैं वन पॉइंट से सेकेंड पॉइंट तक, दैट आर वो दोनों क्रोमोसोम्स किस पॉइंट के बीच में लाई करते हैं, जैसे सिंगल क्रॉसिंग कुछ इस तरीके से जाता है. ये आपका सिंगल क्रॉसिंग, ये दो बच्चा ये नन सिस्टर क्रोमेट्स जो होते हैं ना उसके होमोलॉगस पेयर के ऊपर काम करता है. ओके, और डबल क्रॉसिंग इसी के थ्रू ऐसे चला जाता है. डबल क्रॉसिंग क्या करता है, ये दो पॉइंट ऑफ होमो, बच्चा देखो आपका सिंगल क्रॉसिंग दो होमोलॉगस क्रोमोसोम, दो नन सिस्टर का, ये देखो नन सिस्टर क्रोमेट्स ऑफ होमोलॉगस पेयर के अंदर काम करता है, और वही डबल क्रॉसिंग बच्चा टू पॉइंट्स ऑफ होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स के अंदर काम करता है, और वही अगर आप मल्टीपल क्रॉसिंग्स की बात करोगे तो वो थ्री और मोर पॉइंट, तीन और तीन से ज्यादा पॉइंट्स भी होंगे तो वो भी होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के अंदर ही काम करेगा. इसका सिंपल फंडा यही है कि सिंगल है मतलब एक, मतलब वो नन सिस्टर क्रोमेट क्रोमोसोम पेयर के अंदर काम कर रहा है, डबल है मतलब वो टू पॉइंट्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के अंदर काम कर रहा है, मल्टीपल है मतलब थ्री और मोर पॉइंट्स के अंदर होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के अंदर क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है. सिर्फ आपको याद रखना है वन है तो वन, टू है तो टू, ये किसके अंदर, होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर के अंदर वर्क करते हैं, क्रॉसिंग करते हैं. ओके, सेम पॉइंट पे. अब जो आपका क्वेश्चन है वो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंडिंग बाय क्रॉसिंग ओवर, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म क्रॉसिंग ओवर विथ सुटेबल एग्जांपल. बच्चा व्हाट डू यू अंडरस्टैंडिंग बाय क्रॉसिंग ओवर, वही सेम क्वेश्चन है, आप उसी तरीके से आपको डिस्क्राइब करना है कि क्रॉसिंग ओवर क्या है. अभी हमने पढ़ा था क्रॉसिंग एक रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन है जो ट्रांसफर करता है जेनेटिक मटेरियल को. ये क्या करता है, दो होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर के एट अ वन पॉइंट पे क्या करता है, शो करता है, ये नन सिस्टर क्रोमेटिड्स क्रोमोसोम्स के पेयर को डिस्क्राइब करता है. इसमें तीन टाइप्स के क्रोमोसोम पेयर होते हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल. आप उनके डायग्राम के थ्रू उनको डिफाइन कर सकते हो. ओके, वही सेम क्वेश्चन, बस एग्जामिनर का क्वेश्चन पूछने का तरीका डिफरेंट था बच्चा, बट एग्जामिनर का क्वेश्चन वही था. ओके, यू गेट इट माई पॉइंट. चलो देखो यहां भी वही बातें लिखी है, क्रॉसिंग ओवर इज अ रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिकॉज बिटवीन टू होमोलॉगस क्रोमोसोम्स. बच्चा क्रॉसिंग ओवर क्या है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन है, बहुत सारे जीन का कॉम्बिनेशन है, वो जेनेटिक मटेरियल के बिटवीन टू होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के अंदर अपना जीन को क्या करता है, एक्सचेंज करता है. इट इज अ म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नन सिस्टर. बच्चा देखो जब सिंगल क्रॉसिंग की बात कर जाएगी तो वो नन सिस्टर क्रोमेट्स और होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पेयर पे वर्क करेगा, डबल का तो वो दो टू पॉइंट्स के होमोलॉगस पेयर के अंदर ही काम करेगा, थ्री पे थ्री और मोर पॉइंट्स के होमोलॉगस पेयर के अंदर वर्क करेगा. ओके, यू गेट इट माई पॉइंट. चलो तो देखते हैं अब ये मैकेनिज्म क्रॉसिंग ओवर क्या है उसको मैं एक बार डिस्क्राइब कर देती हूँ. CO लीड्स द रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन, और CO का मतलब होता है क्रॉसिंग ओवर. ओके, CO लीड क्रॉसिंग ओवर टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन टू क्रोमोसोम्स द पॉइंट CO इज अ विजिबल एट अ क्रॉस शेप्ड ऑफ क्रेस्ट. बच्चा देखो जब हम क्रॉसिंग करवाते हैं तो ये जो हमारा क्रॉसिंग ओवर का जो पॉइंट है जीन के थ्रू या क्रोमोसोम्स के थ्रू, ये क्या होते हैं, विजिबल होते हैं, इनको आप देख सकते हो. ओके, The exchange is equally reciprocal. The exchanging segment of two chromosomes are similar size, but crossing sometimes to be unequal. बच्चा देखो कभी कभी जब आप क्रॉसिंग करवा रहे होते हो, सेगमेंट्स को लाइन पे क्रॉसिंग करवा रहे होते हो, चाहे वो क्रोमोसोम्स हो या कुछ भी हो, उनकी साइज सिमिलर होती है, बट क्रॉसिंग जो करवाते हो वो क्या होता है, समटाइम्स टू बी अनइक्वल, वो कभी कभी इक्वल नहीं होता है. जरूरी नहीं कि आपका क्रॉसिंग इसी टाइप से जाए, ऐसे भी जा सकता है, तो वो इक्वल्स नहीं होते हैं. ओके, मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर अकर इन मैनी वेज. बच्चा देखो
क्रॉसिंग ओवर बहुत से कारणों से हो सकता है. स्नैपेज इट्स अकर इन जाइगोटिन स्टेज. बच्चा देखो क्रॉसिंग ओवर जाइगोटिनिस स्टेज जाइगोटिन स्टेज पे भी हो सकता है. इट्स अकर इन अ पैट्यूटिन स्टेज, ये पैट्यूटिन स्टेज पे भी हो सकता है. टेट्राइड स्टेज पे भी हो सकता है. ये स्टेज है जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर देखने को मिल सकता है आप लोगों को. ओके चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. अच्छा देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया. ये एग्जाम ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय माइक्रो न्यूट्रिशन, मैक्रो न्यूट्रिशन और क्रोमोसोमल म्यूटेशन. बच्चा देखो एग्जामिनर इन तीनों में से किसी दो को डिफाइन करने के लिए बोल सकता है. ओके दैट इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आते हैं. माइक्रो म्यूटेशन, मैक्रो म्यूटेशन या क्रोमोसोमल म्यूटेशन को डिफाइन करना है. या देखो माइक्रो म्यूटेशन क्या होता है. माइक्रो म्यूटेशन इट इज अ कॉल्ड अ पॉइंट म्यूटेशन. बच्चा माइक्रो म्यूटेशन को पॉइंट म्यूटेशन से भी डोनेट किया जाता है. इस पॉइंट को आप लोग ध्यान में रख लो क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जामिनर एमसीक्यू में पूछ सकता है आपसे. ओके तो माइक्रो म्यूटेशन को ही पॉइंट म्यूटेशन बोला जाता है. इन विच ओनली वन बेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज रिप्लेस. बच्चा यहाँ पे ओनली वन बेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड को क्या किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है अपनी जगह से दूसरी जगह की तरफ. ओके बाय अनोदर न्यूक्लियोटाइड ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स, बट अदर वालों को नहीं किया जाता है. बच्चा देखो माइक्रो पॉइंट को एक पॉइंट म्यूटेशन से डिनोट किया जाता है. ये ओनली वन बेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड को रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी जो अदर है वो न्यूक्लियोटाइड ऑफ जेनेटिक मटेरियल कहलाते हैं, उनको रिप्लेस नहीं किया जाता है. ओके यू गेट इट माई पॉइंट. अब बात आती है माइक्रो म्यूटेशन का कि माइक्रो म्यूटेशन क्या होता है. इट इज अ लार्ज स्केल म्यूटेशन. बच्चा ये एक लार्ज स्केल पे पॉइंट ऑफ व्यू कर किया जाता है. इसका माइक्रो न्यूट्रिशन का मैक्रो न्यूट्रिशन से कोई लेना देना नहीं है. माइक्रो न्यूट्रिशन एक पॉइंट म्यूटेशन को डिनोट करता है, जबकि माइक्रो म्यूटेशन मैक्रो म्यूटेशन लार्ज स्केल पे म्यूटेशन का वर्क करता है. इन जेनेटिक स्ट्रक्चर ड्यू टू चेंज इन रेगुलेटरी जीन दैट कंट्रोल द एक्सप्रेशन मैनी स्ट्रक्चरल जीन. बच्चा देखो ये लार्ज स्केल ऑफ म्यूटेशन ऑफ जेनेटिक स्ट्रक्चर पे वर्क करता है बिकॉज ऑफ द रीजन. ये लार्ज स्केल पे वर्क करता है ड्यू टू बहुत सारे रेगुलेटरी जीन्स में चेंजेस आते रहते हैं. इनके एक्सप्रेशन पे कंट्रोल करना और स्ट्रक्चर जीन पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये लार्ज स्केल पे वर्क करते हैं म्यूटेशन का और इनके अंदर जेनेटिक स्ट्रक्चर चेंज होते रहते हैं. ओके अब आ जाओ क्रोमोसोमल म्यूटेशन क्या होता है. इट इज कॉज्ड बाय चेंज इन क्रोमोसोम्स स्ट्रक्चर और अदर और नंबर सॉरी इट इज कॉज्ड बाय चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर और नंबर विच लीड टू चेंज इन जीनोटाइप्स ऑफ इंडिविजुअल. बच्चा देखो क्रोमोसोम्स म्यूटेशन जो है उसके अंदर आप क्रोमोसोम स्ट्रक्चर या नंबर के अंदर कोई भी चेंज करते हो डेट्स वो क्या करेंगे अपने रेशियो को जीनोटाइप रेशियो के अंदर शो करने लगेंगे. ये क्रोमोसोमल म्यूटेशन के अंदर वर्क करता है जो किसी भी चेंज के अंदर वो जीनोटाइप को डिनोट करने लगते हैं. ओके यू गेट इट माई पॉइंट. अब आ जाओ जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है. जेनेटिक मतलब वंशागति, डिसऑर्डर मतलब कोई ना कोई खराबी. मतलब माता पिता से सिंगल ऑफ स्प्रिंग चलता आ रहा जेनेटिक कहलाएगा डिसऑर्डर. मेरे दादाजी को था, मेरे पापा को है, मुझे है, पता नहीं क्या है, ये नहीं पता कि क्या है जेनेटिक. हाँ बच्चा एक जेनेटिक डिसऑर्डर है मेरे पास जो मेरे अंदर है. मेरी गंदी सबसे गंदी गंदी आदत पता है आप लोगों को क्या है. क्विक रिजल्ट चाहिए मुझे. मुझे पता है बच्चा कुछ भी है ना मुझे क्विक रिजल्ट चाहिए. मेरे अंदर हाइपरनेस बहुत ज्यादा है. ये मेरे पापा के अंदर भी है. उनको थोड़ा सा भी मिस्टेक नहीं पसंद और मुझे मेरी चीजें बिल्कुल जगह पे अच्छी लगती हैं. थोड़ा भी इधर से उधर होता है तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता. मैं तुरंत हाइपर हो जाती हूँ, लड़ने लग जाती हूँ अपनी बहन से, मम्मी से. मम्मी से तो कम लड़ती हूँ क्योंकि मम्मी बहुत डांटती है, पिटाई भी कर देती कभी कभी. तो फिर मैं ज्यादातर सिस्टर से लड़ती हूँ कि तुमने किया होगा तुमने किया होगा. तो फिर हम लोगों को एब्यूज लगाते रहते हैं चार्जेस कि तुमने किया है, वो कहती मैंने किया है. तो हम लोग लड़ते रहते. तो ये मेरे अंदर सबसे गंदी आदत है कि मैं बहुत जल्दी हाइपर हो जाती हूँ. मतलब लड़ने के उत्सुक हो जाती हूँ कि अभी लड़ ही लेना है इससे. मतलब वैसे लड़ाकू नहीं हूं मैं बच्चा. मेरी चीजें अगर इधर से उधर हो जाती है तो मुझे गुस्सा आता है. आप लोगों को भी गुस्सा आता होगा. वो अच्छे हैं जिनके सिर्फ भाई भाई हैं, वो लोग नहीं लड़ते होंगे. भाई भाई प्यार करते हैं, बहने बहने लड़ती हैं. जेनेटिक डिसऑर्डर आर डिजीज कॉज्ड बाय डीएनए एबनॉर्मलिटी इन होल ऑफ द पार्ट एंड सेगमेंट. बच्चा देखो जेनेटिक डिसऑर्डर जो डिजीज है वो डीएनए के ऊपर वर्क करती है. डीएनए एबनॉर्मलिटी है
बच्चा ये होल पार्ट ऑफ सेगमेंट को डिनोट करती है बिकॉज ऑफ द रीजन जेनेटिक डिसऑर्डर पेरेंट्स के थ्रू बंसा गति चलता ही आ रहा है, वो ऑफ स्प्रिंगली किसी भी अंदर, जैसे मैं हूँ मेरे अंदर जो प्रॉब्लम हो सकता है मेरे बच्चे के अंदर भी हो, तो इसको हम जेनेटिक डिसऑर्डर से क्या करेंगे, डिनोट करेंगे. ओके, इफ जेनेटिक डिसऑर्डर इन अ सिंगल जीन अफेक्टेड बाय म्यूटेशन. बच्चा देखो जेनेटिक डिसऑर्डर जो है वो जीन को इफेक्ट करता है म्यूटेशन के थ्रू. एग्जाम्पल सिकल सेल एनीमिया, इसका एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया. बच्चा देखो कभी भी दो पेरेंट्स आपस में सेक्स करें ड्यू टू ऑफ द रीजन दे कम टू बी प्रोड्यूस, बच्चा दो पेरेंट्स आपस में मिलेंगे तो वो ऑफ स्प्रिंगली किसी भी इंडिविजुअल को जन्म देंगे. बच्चा देखो अगर उनके अंदर कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर है वो सिंगल जीन ऑफ इफेक्ट को इफेक्ट करेगी म्यूटेशन के थ्रू. ठीक है, अगर उसका कोई भी इफेक्ट होता है, कोई भी डिसऑर्डर हो सकता है, उसको कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्लोसोफोबिया हो सकता है, हाइपरनेस हो सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, नोएसिस की प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारा जेनेटिक डिसऑर्डर जो बंसा गति आ रहा है, थायराइड हो गया, बहुत सारा हेयर फॉल हो गया, बहुत सारा जेनेटिक डिसऑर्डर है जो होता रहता है, या तो मम्मी से हो जाए या पापा से हो जाए. ओके, तो उसी का एक बेस्ट एग्जांपल लिया इन्होंने सिकल सेल एनीमिया, ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर के अंदर आता है. ओके, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस. अब हम बात करेंगे कि सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस क्या होता है. व्हेन जीन फॉर स्पेसिफिक कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट ऑन सेक्स क्रोमोसोम्स, बच्चा जब जीन स्पेसिफिक कैरेक्टर को ही सेक्स क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट करते हैं देन सच इनहेरिटेंस इज कॉल्ड अ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस. बच्चा जब जब हम स्पेसिफिक जो चीज पता है कि हमको अच्छी बनी है, हम सिर्फ उन्हीं चीजों को पड़ोसेंगे, गेस्ट को सिर्फ वही चीज दिखाएंगे, अपनी बुरी आदतों बताएंगे तो उनको लगेगा कि सब कुछ परफेक्ट है. उसी टाइप से बच्चा जब स्पेसिफिक कैरेक्टर को सेक्स क्रोमोसोम्स के थ्रू प्रेजेंट किया जाता है, जब उसके अंदर कुछ कमी आती है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है, दैट्स टू बी उसी को सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस बोला जाता है. ओके, यू गेट इट माई पॉइंट. इसके अंदर हम किसी भी क्रोमोसोम्स को चूज कर सकते हैं, गर्ल्स का XX, बॉयज का XY. ओके, कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है. इन विच अ पर्सन इज अनेबल टू डिफ्रेंशिएट रीड एंड ग्रीन, रेड एंड ग्रीन कलर. बच्चा कलर ब्लाइंडनेस उन पर्सन को बोला जाता है जो पर्सन बिल्कुल भी पहचान नहीं पाते, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते रेड और ग्रीन कलर के अंदर. द जीन फॉर सच डिजीज इज प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम्स ऑफ पर्सन, और ये उसके कारण होता है क्योंकि उस पर्सन के पास एक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होता है. यही जीन है जिसके कारण वो डिजीज से सफर करते हैं कलर ब्लाइंडनेस से, वो किसी भी चीज को अनेबल होते हैं डिफ्रेंशिएट करने में, बताने में सक्षम नहीं होते, उनको रेड और ग्रीन कलर में फर्क ही नहीं पता चलता है, जिनको विजिबल कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम होती है. ओके, मैं अगर आपको एक मतलब बताऊं, मेरा एक फ्रेंड था, उसका नाम था आदित्य नाम था उसका, वैसे वो लोग रांची के रहने वाले थे. बच्चा वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड था, उसने NDA भी पास आउट कर लिया था, सब कुछ निकाल लिया था, बहुत अच्छा मार्क्स लाया था, बट उसकी मम्मी को आई थिंक कलर ब्लाइंडनेस था और उसको ये बात पता नहीं थी, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस ऐसे आपको पता नहीं चलता है, ऐसा कुछ नहीं कि आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ज्यादा नहीं था, बट उसके अंदर भी वही प्रॉब्लम. जब वो उसका सब कुछ हो गया था, जब उसका लास्ट था वही क्या कहते हैं मेडिकल बचा था, इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया, एक टाइम नहीं बच्चा, उसने दो दो टाइम क्लियर किया, उसको लगा चलो एक बार मेडिकल में हटा दिया तो फिर ट्राई करते हैं, फिर निकाल लिया उसने, बट बच्चा उसको भी कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम थी. फिर भी गवर्नमेंट हमें 10% छूट देती है कि आप उसको ठीक करवा सकते, अगर उसमें करेक्टेशन की प्रॉब्लम अगर हम उसे जो करेक्ट करके आगे बढ़ा सकते तो हम आपको प्रमोट कर देंगे, बट नहीं हुआ, उसका कलर ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम ज्यादा था. बट अभी वो IIT बॉम्बे है, अभी IIT की प्रिपरेशन कर रहा है, बट IITian बनेगा वो, बट बच्चा सी इज अ वेरी इंटेलिजेंट, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, सॉरी शी बोल रही हूँ, ही मतलब मुझे याद नहीं था उसका मतलब क्या कहते हैं, शी ही कर रही हूँ, बट बहुत इंटेलिजेंट था सच में बच्चा. तो बताए आप लोगों को ये कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम आपको ज्यादातर फैमिली मेंबर्स के अंदर देखने को मिलेगी, बिकॉज ऑफ द रीजन कोई पेरेंट्स का खाना पीना या कुछ चीजें ढंग से नहीं चल रही है, डेली रूटीन में नहीं चल रहा है, बिकॉज ऑफ द रीजन सेक्स टाइम उनके क्रोमोसोम्स इधर उधर हो जाएंगे और उनको कलर ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम क्या करना पड़ेगा, सफर करना पड़ेगा. जरूरी नहीं है बच्चा कि आपके दादाजी के अंदर और मम्मी के अंदर कलर ब्लाइंडनेस था तो आपके अंदर भी आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है. पापा का जीन अगर एक्टिव हो गया तो आपके अंदर नहीं भी आ सकता है, बट किसी भी पर्सन के अंदर सिर्फ एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो वो कलर ब्लाइंडनेस से सफर करेगा ही करेगा. ओके, चलो अब देखते हैं प्लॉयडली क्या होता है. द एक्सचेंज इन क्रोमोसोम्स ऑब्जर्वेशन इन सेट और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, बच्चा
जब हम क्रोमोसोमल एब्जर्वेशन को चेंज करते हैं नंबर में या सेट के अंदर ड्यूरिंग द सेल डिवीजन इज कॉल्ड अ प्लॉयडिटी। जब प्लॉयडी किसको बोलते हैं, जब सेल डिवीजन कराया जाता है, जब इधर से उधर हम क्रोमोसोम्स को नंबर में सेट करते हैं उसी को हम प्लॉयडी बोलते हैं। ओके, यू गेट इन माई पॉइंट। चलो तो क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, ट्यूनर साइड्रोन विल कंटेन हाउ मेनी क्रोमोसोम्स। ट्यूनर साइड्रोन कितने क्रोमोसोम्स को कंटेन करता है, टेल मी, बताओ मुझे ट्यूनर साइड्रोन कितने कितने सारे, पता ये लिंकेज म्यूटेशन लिंकेज का ही टॉपिक है। ट्यूनर साइड्रोन कितने क्रोमोसोम्स को कंटेन करता है, 46, 47, 45 या नन ऑफ दीज। कितनों का आंसर गलत भी है, कितनों का सही भी है, ए को लॉक कर दो, ए इज अ राइट आंसर। ट्यूनर साइड्रोन 45 क्रोमोसोम्स को क्या करता है, कंटेन करता है। ओके, यू गेट इन माई पॉइंट। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिकल सेल एनीमिया इज रिलेटेड टू विच टाइप्स ऑफ डिजीज। बच्चा देखो, अभी अभी हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था, अभी अभी हमने टॉपिक्स के अंदर ये पढ़ा था। देखो, एग्जामिनर एमसीक्यू अपने घर से नहीं लाता है, ये मैं बार बार बोलती हूँ, अपने नानी मामा फुआ फूफा के घर से नहीं लाता है। अगर आपका सब्जेक्टिव क्लियर है, ऑब्जेक्टिव अपने आप क्लियर हो जाएगा। पहले सब्जेक्टिव को टॉपिक को क्लियर करो, जिसका सब्जेक्टिव टॉपिक क्लियर है ऑब्जेक्टिव अपने आप क्लियर हो जाएगा। ओके, सिकल सेल एनीमिया इज रिलेटेड टू विच टाइप्स ऑफ डिजीज। सिकल सेल एनीमिया किस टाइप्स ऑफ डिजीज से रिलेट करता है, क्या वो सेक्स लिंक डिजीज है, ऑटोसोमल लिंक डिजीज है, डेफिशिएंसी डिजीज है, मेटाबॉलिक डिजीज है, टेल मी बच्चा पार्टी। सिकल सेल एनीमिया क्या है, टेल मी, वेरी गुड, बी को लॉक कर दो, बी क्या है राइट आंसर है। सिकल सेल एनीमिया सेक्स लिंक डिजीज के अंदर ही आता है, बट ये एग्जांपल है ऑटोसोमल लिंक डिजीज का। ओके, बट ये एग्जांपल है ऑटो, मतलब ये सारे सेक्स लिंक डिजीज के ही अंदर आते हैं, बट ये स्पेसिफिक एग्जांपल है ऑटोसोमल लिंक डिजीज का। ओके, अगर आपको ऑटोसोमल नहीं दिया होता तो आप सेक्स लिंक डिजीज पे टिक लगाते, बट ऑटोसोमल दिया हुआ है तो आप ऑटोसोमल पे ही टिक लगाओगे। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकल सेल एनीमिया शो, सिकल सेल एनीमिया जो डिजीज है वो क्या शो करता है, एपिटेसिस, पेलोपोट्रॉपी, कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। पेलियोट्रॉपी, एपिस्टेटिस, कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, टेल मी सिकल सेल एनीमिया किस चीज को शो करता है बच्चा पार्टी, काउंट डाउन कर ले, वेरी गुड, सी को लॉक कर दो, सी क्या है राइट आंसर। प्लियोट्रॉपी को कंसिस्ट करता है, शो करता है कौन, सिकल सेल एनीमिया। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको सीबीएसई में ज्यादा देखने को मिलेगा, बट अभी बिहार बोर्ड भी ऐसे क्वेश्चन पुट कर रहा है। ओके, ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई में बहुत देखने को मिलेगा। ए नॉर्मल विजन फीमेल हुज फादर इज कलर ब्लाइंड मैरीज अ नॉर्मल विजन मेल। बच्चा, एक नॉर्मल विजन फीमेल होती है, उसके फादर इज अ कलर ब्लाइंड मैरिज टू अ नॉर्मल विजन मेल। बच्चा देखो, एक नॉर्मल विजन फीमेल होती है, उसका फादर एक कलर ब्लाइंड मैरिज मतलब शादी करता है नॉर्मल विजन मेल से। हु वुड बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर सन एंड डॉटर ऑफ द कलर ब्लाइंड। बच्चा देखो, एक नॉर्मल विजन सन होता है, हुज फादर इज कलर ब्लाइंड, उसका फादर कलर ब्लाइंड होता है, मैरी अ नॉर्मल विजन मेल, और उसका फादर उसको क्या करता है, नॉर्मल विजन मेल से शादी करता है। ठीक है, बट उसका पापा कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम से सफर कर रहा है, बट बेटी को नहीं है ये प्रॉब्लम और उसके हस्बैंड को भी नहीं है, तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उसका जो बेटा या बेटी होगा उसको कलर ब्लाइंडनेस होने की, 25% सन कलर ब्लाइंड एंड डॉटर विच बी फिनोटाइपिकली नॉर्मल विजन। क्या 25% होगा कि सन कलर ब्लाइंड होगा और डॉटर फिनोटाइपली नॉर्मल विजन की ही होगी। ओके, 50% सन कलर ब्लाइंड और 50% डॉटर नॉर्मल, 50% चांसेस है कि कलर ब्लाइंड हो सकता है सन को और 50% चांसेस है कि डॉटर बिल्कुल नॉर्मल होगी। 50% सन कलर ब्लाइंड और 50% डॉटर कलर ब्लाइंड, क्या 50% डॉटर का भी चांस होगा और 50% सन का भी चांस होगा। ऑल सन नॉर्मल, 50% कलर ब्लाइंड डॉटर, सन तो नॉर्मल होगा पर डॉटर को कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है। आप मुझे बताओ कि क्या चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि फीमेल बिल्कुल नॉर्मल है,
फीमेल का जो पापा था वो कलर ब्लाइंड से सफर कर रहा था, हस्बैंड नॉर्मल है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि उसका बच्चा कितना परसेंट कलर ब्लाइंडनेस से सफर कर सकता है? तो बच्चा पार्टी आंसर दो, कौन सा आंसर राइट है? बी को लॉक कर दो क्योंकि बी है राइट आंसर। बच्चा पार्टी 50% सन उसका कलर ब्लाइंड हो सकता है, बट डॉटर के कोई चांसेस ही नहीं बन रहा कलर ब्लाइंडनेस का। ओके चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द ट्रायोसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम कॉजेज, बच्चा जो ट्रायोसोमी है उनका 21st क्रोमोसोम किस को मतलब क्या है? क्लैंगर फिल्टर सिंड्रोम है, ट्यूनर सिंड्रोम है, सिकल सेल एनीमिया है, डाउन सिंड्रोम है, टेल मी कौन सा है वो? आप सबको पता है ट्रायोसोम क्या था, ये था, और ये किसके अंदर आता है? उसके 21 क्रोमोसोम्स की बात की जा रही है, किसके अंदर आता है वो? डी को लॉक कर दो, डी इज अ राइट आंसर। डी क्या आपका राइट आंसर है, डाउन सिंड्रोम के अंदर आता है, डाउन सिंड्रोम के अंदर आता है आपका ट्रायोसोमी का 21 क्रोमोसोम्स। ओके ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस कैन नॉट रिकॉग्नाइज, बच्चा एक पर्सन सफर कर रहा है कलर ब्लाइंडनेस से, ओके क्या वो रेड एंड येलो कलर होगा, रेड एंड ग्रीन कलर होगा, मतलब कलर ब्लाइंड से अब रिकॉग्नाइज नहीं कि कौन से कलर से, रेड एंड ग्रीन कलर से, ब्लू एंड ग्रीन कलर से, या नन ऑफ दीज से? टेल मी, अगर एक पर्सन कलर ब्लाइंडनेस से सफर कर रहा है तो कलर कौन से होंगे ब्लाइंडनेस के, वो पूछ रही हूँ मैं। ओके क्या वो रेड और येलो कलर है जिसमें कलर ब्लाइंडनेस के अंदर पर्सन को दिखता नहीं है? क्या वो रेड एंड ग्रीन कलर है या ब्लू एंड ग्रीन है, कोई भी कलर नहीं है? अभी बताया था मैंने कि कलर ब्लाइंडनेस के अंदर पर्सन अनेबल टू डिफ्रेंशिएट दिस कलर, कौन से कलर होते हैं जिसको पर्सन डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता है, बता नहीं पा सकता है, बताओ? वेरी गुड, बी को लॉक कर दो, रेड और ग्रीन ही वो कलर है बच्चा जिसके कलर ब्लाइंडनेस के अंदर पर्सन अनेबल टू डिफ्रेंशिएट दिस कलर बिकॉज ऑफ द रीजन दे सफरिंग फ्रॉम अ कलर ब्लाइंडनेस। ओके यू गेट इन माई पॉइंट, आई होप बच्चा यू कैन अटैच विथ मी देयर टॉपिक्स एंड टू बी रिलेटेड। आप लोग एसोसिएट कर रहे होंगे कि मैम बता रही है, तो बच्चा आपको भी क्या करना पड़ेगा, जागरूकता करनी पड़ेगी, ठीक है? आपको भी अवेयरनेस क्विक आंसर देने की कोशिश करो। ओके बच्चा एक पर्सन कलर ब्लाइंडनेस से सफर कर रहा है, उसको कलर का नहीं पता, तो आप लोग को पता लग गया कि वो कौन सा कलर होगा, रेड एंड ग्रीन कलर, जिसके अंदर पर्सन डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता है कलरों को। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच डिजीज इज ड्यू टू हीमोग्लोबिन डिफेक्ट, बच्चा ऐसा कौन सा बीमारी है जो हीमोग्लोबिन डिफेक्ट के कारण होता है? ओ गॉड लाइफ चली गई, डाउन सिंड्रोम, फेनिक्लेट्रोनिया, क्लाइनफिल्टर या सिकल सेल एनीमिया? बच्चा टेल मी वो कौन सा डिजीज है जो हीमोग्लोबिन डिफेक्ट की वजह से होता है, टेल मी बच्चा पार्टी। वेरी गुड, डी को लॉक कर दो, डी इज आर राइट आंसर, डी को लॉक कर दो, डी क्या आपका राइट आंसर है? ओके बच्चा पार्टी यहीं पे फिफ्थ चैप्टर का सारा क्वेश्चन फिनिश हो जाता है, फिर अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। ओके